갑자기 내게 나타나주노. 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이. Hello everyone, happy the shout out to all. And how are you all doing? This is Krishna. Welcome back to my channel English Junkies. A lot of warm wishes from my side. जैसे कि आप सभी जानते हैं फेस्टिव सीजन चल रहा है एंड आज दशहरा है. तो आज हम कुछ पढ़ेंगे नहीं, वी विल गेट टू नो मोर अबाउट दशहरा एंड सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स एंड मैनी मोर थिंग्स. सो गाइज डू फॉलो ऑन इंस्टा एंड सब्सक्राइब द चैनल. डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन एंड यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक फॉर मोर इंटरेस्टिंग फैक्ट्स एंड मैनी मोर थिंग्स. सो डू दैट. सो शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो. लेट्स गेट स्टार्टेड. दशहरा, बुराई पे अच्छाई की जीत के लिए हम दशहरा सेलिब्रेट करते हैं. ये वो दिन है जिसमें जो सेलिब्रेशन होता है 10 दिन तक लगातार होता है, जो ऑल ओवर कंट्री में सेलिब्रेट किया जाता है. इसमें अलग अलग तरह के रावण के पुतले बनाए जाते हैं और उनको बर्न किया जाता है. उस ओकेज़न को यादगार बनाने के लिए रामलीला भी की जाती है. रामायण के कुछ पार्ट्स को ड्रामा के फॉर्म में भी दिखाया जाता है. अगर हम ओरिजिन की बात करें कि नाम कहाँ से निकला, ये एक्चुअली ये फेस्टिवल दो जीत को सेलिब्रेट करता है. फर्स्ट, भगवान राम ने इस दिन रावण का वध करके उस पर विजय पाई थी, और दूसरा, माँ दुर्गा ने संहार किया था महिषासुर का. इसीलिए इसको दशहरा और विजयदशमी दोनों के नाम से जाना जाता है और बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है, क्योंकि इस फेस्टिवल को हम असत्य पे सत्य की विजय के रूप में मनाते हैं और खुशियां बांटते हैं. विजयदशमी मीन्स विक्ट्री ऑन 10th डे. दशहरा हमारे देश में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है. ये 17th सेंचुरी में सबसे पहले स्टार्ट हुआ था. अगर रावण के 10 हेड्स की बात करें तो अकॉर्डिंग टू माइथोलॉजी उसके हेड सिंबल हैं 6 शस्त्र एंड 4 वेदास के. वो बहुत ही इंटेलिजेंट माना जाता था इसी वजह से. और जी जो हेड है 10 ह्यूमन इमोशंस को दिखाता है. वो इमोशंस हैं लाइक एंगर, जेलसी, ईगो, लस्ट, ग्रीड, प्राइड, अटैचमेंट, सेल्फिशनेस, इनजस्टिस एंड क्रुएलिटी. दशहरा कुल्लू हिमाचल प्रदेश में नियर बाई फॉर अ वीक सेलिब्रेट किया जाता है ये फेस्टिवल. वहाँ दशहरा जो शुरू होता है, जब दशहरा शुरू होता है तब से लेकर के पूरे होल वीक तक चलता है. दशहरा सिर्फ हमारे देश में ही नहीं बल्कि दूसरी कंट्रीज़ में भी सेलिब्रेट किया जाता है, लाइक नेपाल, बांग्लादेश, मलेशिया. और एक और चीज़ जो हम जानना चाहिए हमें दशहरा के बारे में, वो ये है कि इसको इसलिए भी सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि इस दिन पांडव वनवास से वापस आए थे. वो दिन विजयदशमी था जिस दिन वो वनवास से वापस आए थे, जब वो वनवास गए हुए थे, जब उन्हें कौरवों ने वनवास में रहने को कहा था. उन्होंने अपने वेपन्स को शमी ट्री के पास रख कर पूजा किया था. विक वेपन्स और शमी ट्री दोनों की पूजा की वजह से उस दिन से शमी ट्री एक अच्छाई का प्रतीक माना जाता है और उसकी हम पूजा करते हैं. ये बुद्धिस्ट के लिए भी इम्पॉर्टेंट है एज वेल, क्योंकि इस दिन चक्रवर्तन सम्राट अशोक बुद्धिस्ट में बदले थे. इस दिन उन्होंने बुद्धिस्म रिलीजन को दूसरे देशों तक स्प्रेड किया था. एटलास्ट दशहरा को एक इस तरीके से हम मानते हैं, एक सिंबल मानते हैं कि दशहरा पे ग्लूमी मॉनसून ख़त्म हो जाता है और विंटर की शुरुआत होने लगती है. और दशहरा के बाद फार्मर्स खरीफ क्रॉप की कटाई करके रवि क्रॉप प्लांट करते हैं. आफ्टर दिवाली ये सब होता है. सो आई थिंक यू लाइक द वीडियो एंड दिस इज़ ऑल अबाउट दशहरा विच आई नो आई शेयर विद यू. एंड इफ़ यू नो एनीथिंग यू कैन शेयर इट विद मी इन कॉमेंट सेक्शन. And thank you for watching the video till last. This is Krishna shining out. Love and peace from you. Again, happy Dashera to all. Please do subscribe and hit the bell icon. Thank you for watching. Meet you in the next video.